हाँ फ्रेंड्स, एसपी के चैनल में आपका स्वागत है। आज बताने जा रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सर्विस होती हैं, उसको आप आज सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लिखना है आपको। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लिखने के बाद आपको पहले ऑप्शन पे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए एक न्यू टैब खुलेगा। यहाँ से आपको देखिए हमेशा CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो दिया गया है, इसे कैप्चा कोड यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जैसे कैप्चा कोड लिखेंगे, इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए इन्होंने कहीं लॉग आउट किया है, तो फिर से इसे लॉग आउट कर देंगे। फिर से हम लॉगिन पे जाएंगे, इसके बाद फिर से यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा कोड लिखेंगे जो दिया गया है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ईडीसी पोर्टल खुल गया। अब इसको देखिए इसमें क्या क्या सर्विस, तो पहले आपको यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र में क्या सर्विस है। पहले आपको प्रमाण पत्र में यहाँ जाति प्रमाण पत्र हिंदी में दिया गया है, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में। जैसे देखिए हिंदी में बना रहे हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र जो बोलते हैं भारत सरकार का, वो आपको अंग्रेजी में बनाना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे क्लिक करके अब यहाँ पे देखिए सब अंग्रेजी में भरना है। तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ पे हिंदी में सबको आपको यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, तीसरा ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, जिस भी कस्टमर का आय प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए चौथा सर्विस है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र यहाँ से भी आप बना सकते हैं, सभी सब भर के। तो ये हो गया आय, जात, निवास। इसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन किया जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ से आप हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे विकलांग प्रमाण पत्र, विकलांग सर्टिफिकेट जो बनता है वो यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे लाउड स्पीकर संबंधित ये दिया गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। इसके बाद देखिए अगर आपको किसी खतौनी निकालना है तो यहाँ पे देखिए राजस्व एवं पंचायती राज विभाग द्वारा है, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पे खतौनी निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से खतौनी निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए और एक है पुनः प्रिंट, अगर आपको आवेदन संख्या मालूम हो तो यहाँ पे आप वो रिप्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुटुंब परिवार के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन। और इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, देखिए बस यहाँ पे इतने ही सर्विस अक्सर ऑनलाइन होते हैं। इसमें आय, जात, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, विकलांग सर्टिफिकेट और खतौनी। राशन कार्ड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल SPK को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर